मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीष्म सर के न्यू इनिशिएटिव से ही आज हमें यहाँ बैठने का मौका मिला है और आप लोग से रूबरू बैठ के कुछ डिस्कस करने का मौका मिला है, इसलिए सर के फिर से पुनः धन्यवाद सर। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश पासवान है, मैं एंशेंट हिस्ट्री कल्चर से हूँ और मैं नवनालंदा बिहार का शोधार्थी हूँ। आज हमें जिस टॉपिक पर डिस्कस करने का मौका मिला है वह है हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस का मीनिंग जानेंगे, उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है। हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थेसिस, जिसका इंग्लिश का में अर्थ, हाइपो का अर्थ होता है संभावित आ जिनकी पुष्टि की जाए, तथा थेसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। इस प्रकार हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। कोई भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्चर को कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहले समस्या का सिलेक्शन करना, दूसरा है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, उसके बाद तीसरा है हाइपोथेसिस का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर के लिए एक गाइड का काम करता है। इससे रिसर्चर को पता चलता है कि उसे किस डायरेक्शन में जानी है और उसे किस प्रकार के डाटा कलेक्ट करना है। परिकल्पना के द्वारा ही वैज्ञानिक शोध कार्य किया जा सकता है। अब हम डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। मैक गूगन के अनुसार हाइपोथेसिस का डिफिनीशन है, दो आदो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा गुड अव स्केट के अनुसार परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या करने हेतु अस्वीकार किया गया हो एवं जिससे अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं परिकल्पना के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले संस्कृति, उसके बाद विभिन्न सामाजिक विज्ञान, पूर्व परिकल्पनाओं का विश्लेषण, समानता, विशेषज्ञों से विचार विमर्श, व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मक चिंतन, अंतर्दृष्टि, संबंधित क्षेत्र क्या, पूर्वाग्रह अनुसंधान, पूर्व निष्कर्षों से परे निष्कर्ष निकालना और प्रेरणा। अब हम टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं। परिकल्पना का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, तो हम सबसे पहले इन चरों की संख्या के आधार पर हाइपोथेसिस को प्रकार को देखते हैं। चरों के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिंपल हाइपोथेसिस और दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें चरों की संख्या मात्र दो होती है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आर्थिक प्रोत्साहन देने से कार्य संतुष्टि बढ़ती है। यहाँ दो चर है, एक है प्रोत्साहन और दूसरा है कार्य संतुष्टि। दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसमें चरों की संख्या दो आदो से अधिक होती है, जैसे शहरों के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में धूम्रपान करने की प्रवृत्ति देहात के माध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पहला चर सामाजिक आर्थिक स्तर है, दूसरा धूम्रपान की प्रवृत्ति है, तीसरी शहरी ग्रामीण क्षेत्र है। ये जो तीन वेरिएबल है इसमें एक विशेष संबंध बताकर परिकल्पना का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर हाइपोथेसिस के प्रकार। विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना को पांच भागों में बांटा गया है। पहला है कारणात्मक परिकल्पना, ऐसी परिकल्पना जिसके माध्यम से व्यवहार के विशिष्ट कारणों और व्यवहार पर पड़ने वाली प्रभाव को कारणात्मक परिकल्पना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से थकान से लर्निंग में ह्रास होता है, यहाँ कारण थकान है, थकान के कारण लर्निंग पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, यह व्यवहार के बारे में पूर्व कथन व्यवहार का वर्णन करने के लिए रिसर्चर के द्वारा वर्णनात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसमें व्यवहार का क्या कारण है इस पर बल नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, रिसर्चर यह परिकल्पना करता है कि थकान से व्यक्ति के आगे कार्य करने में अनिच्छा होती है, क्योंकि इसमें थकान से होने वाली व्यवहार का मात्र वर्णन किया जाता है। अब हम देखते हैं कार्य परिकल्पना और शोध परिकल्पना। तीसरा, शोध परिकल्पना का तात्पर्य ऐसी परिकल्पना से होता है जो किसी घटना या किसी तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई डिडक्शन पर आधारित होती है। यह शोधकर्ता को यह इसमें विश्वास होता है कि यह एक एक्यूरेट है और यह कभी कभी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। शोध परिकल्पना का
रिसर्च हाइपोथेसिस दो प्रकार के होती है। पहला है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जैसे किसी चीज़ को कंपैरिजन करके देखते हैं कि कोई एक ग्रुप है, एक दो ग्रुप है, तो उसमें देखते हैं कि एक ग्रुप आ तो कहें कि एक ग्रुप है और उसमें एक परिकल्पना डायरेक्शनल तथा नॉन डायरेक्शनल तरह से बनाई गई होती है, क्योंकि उसमें ग्रुप ए तथा ग्रुप बी में अंतर की कोई दिशा का उल्लेख नहीं होता है, ऐसे को नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। और दूसरे में जो जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी से बढ़िया है तो इसमें किसी एक खास डायरेक्शन में बल दिया जा रहा है, उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। अब तीसरी हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस को। यह रिसर्चर के लिए महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि रिसर्चर के द्वारा नल हाइपोथेसिस बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। नल हाइपोथेसिस वह हाइपोथेसिस होती है जिसके द्वारा चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं होने का उल्लेख करते हैं। रिसर्चर जब कोई शोध परिकल्पना बनाता है तो साथ ही वह नल परिकल्पना बना लेता है। उसकी यही तमन्ना रहती है कि रिसर्चर के द्वारा नल परिकल्पना अस्वीकृत हो जाए, जिससे उसने दूसरे हाइपोथेसिस बनाई है वो सच सिद्ध हो जाएगी। जैसे व्यक्ति सूझबूझ के द्वारा प्रयत्न तथा भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। तो यह नल हाइपोथेसिस का उदाहरण है। यदि शोधकर्ता के शोध के परिणाम द्वारा यह परिणाम परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो उसके विपरीत परिकल्पना को सत्य मान लिया जाता है, जो कि क्या होगा, व्यक्ति सूझबूझ द्वारा प्रयत्न तथा भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। पांचवा है चरों के विशेष संबंध के आधार पर परिकल्पना। मैकगुगन ने चरों के विशेष संबंध के आधार पर परिकल्पना को दो प्रकार बताए हैं। पहला है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस सार्वभौमिक परिकल्पना और दूसरा है अस्तित्वात्मक परिकल्पना। पहला यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, इस तरह के परिकल्पना का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जो निहित चरों से सभी तरह के मानव के बीच संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है, जैसे मानव की सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस और अस्तित्वात्मक परिकल्पना। वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जो सभी व्यक्ति और सभी परिस्थितियों के लिए नहीं परंतु कम से कम एक व्यक्ति अपरिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होता है। जैसे एग्जाम्पल, क्लास में कम एक छात्र तो ऐसे होते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया डन देने से तेजी से होती है, तो यह अस्तित्वात्मक परिकल्पना का उदाहरण है। आज हमने हाइपोथेसिस के मीनिंग, डिफिनीशंस और सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस एवं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस पर डिस्कस किए हैं। इसके लिए धन्यवाद आप लोग का।